रियल में जितना सीट है उतना कंपटीशन होगा ना, हमने मान लो टॉप 50 निकलवाया, टॉप 51 का अगर सार किया, अगर आपको कोई शिकायत करनी तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कीजिए, ये जगह नहीं है, यहाँ ना आप एंट्रेंस एग्जाम देने आए थे ना किसी काम के लिए आपको बुलाया गया था, दौड़ाल से आपका तब तक कोई संबंध नहीं है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। गए थे सर हम लोग वहाँ, गए थे वो सब यहाँ भेजे हैं। सिक्योरिटी में हम मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये मैं पर्सनल बात करके दे रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, ये तुम्हारी हमारी आपस की बात, यही दिक्कत कर जाती है हमारी और आपकी आपस की बात, बस वही है ये बात को पहले पूरा समझ लो, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम मेरे अपने हो, इसलिए क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग धन्यवाद? मामला ये है सर कि 720 नंबर का एग्जाम होता है और यहाँ नंबर डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, जो 4-5 साल तैयारी कर रहा है उनको डायरेक्ट फेल किया जाता है 155 नंबर देके। मैं अपना केस बता रही हूँ, लास्ट ईयर में जस्ट 12 पास करके मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में 720 में 261 नंबर मिले थे। तो ये बताइए, मैं साल भर प्रैक्टिस की, कोरोना की वजह से मुझे और प्रैक्टिस की टाइमिंग मिल गई, ठीक है, प्रैक्टिस की टाइमिंग मिल गई तो मेरा वर्क और अच्छा होगा खराब होगा, और मुझे इस बार 720 में सीधे 155 नंबर रैंक दिए ओबीसी से 181 नंबर, ये कोई रैंक होता है? विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि हमें कॉपी रीचेक करानी है टॉप 50 वालों, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनकी कॉपी कंपैरिजन होनी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर